हमारी मुस्कुराहट में हमारे दांत अहम भूमिका निभाते हैं। यही नहीं, हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं हमारे दांत। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। जैसे जैसे हमारे खान पान में तब्दीली होती जा रही है, दांतों की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। इन दांतों की समस्याओं से हम कैसे निजात पाएँ, कैसे हम अपने दांतों का रखरखाव करें, इसी के संबंध में आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल जी से, जो कि बरेली के एक फेमस डेंटिस्ट हैं और साथ ही साथ डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। चलिए करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार रश्मि जी, और न्यूज़ टुडे नेटवर्क का बहुत धन्यवाद कि मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आपके द्वारा जनता के साथ जुड़ सकूँ। आपके जो भी सवाल हों वो मुझसे पूछ सकती हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि दांतों की देखभाल एक आम इंसान कैसे करे? जैसा कि आपने अभी बताया कि दांत हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। अब एक किसी ऐसे आदमी को आप इमेजिन करें जिसके मुँह में दांत नहीं, तो उसके खाने पीने की जो अवस्था है वो काफ़ी ख़राब होगी और हम उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो दांतों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि सुबह और शाम, दोनों समय, शाम मतलब रात, खाने के बाद ब्रश जरूर करना है। और हमारे महत्व को समझना है, हर 6 महीने में कम से कम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हर 6 महीने में एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन के पास आपकी विजिट ज़रूर होनी चाहिए। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि दांत हैं हमारे तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनका रखरखाव हम किस तरह से करें जिससे कि ये और ज़्यादा लंबे समय तक हमारे साथ बने रहें? दांतों के रखरखाव के लिए जैसे एक तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है कि आपके दांतों की सफाई होनी ज़रूरी है, और दूसरा कभी भी आप जैसे किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें। अगर आपके दांतों में कोई भी समस्या होती है तो आपको उसको जैसे बाकी और शरीर की बीमारियां हैं उनके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपके दांतों में कोई भी समस्या है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है समय आएगा तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनके बीच में खाना फंसना और उसकी वजह से, और फिर आगे पेरियोडोंटाइटिस जिसको हम लोग जनरल भाषा में पायरिया कहते हैं, वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल हम जो टूथपेस्ट और जो ब्रश यूज़ करते हैं तो उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो हमारा टूथपेस्ट है वो कुछ बहुत अलग काम कर सकता है। टूथपेस्ट का एक जो बेसिक काम है वो बहुत सब, जितने भी टूथपेस्ट आ रहे हैं वो सब लगभग एक ही काम करते हैं। टूथब्रश, अगर हमारे मसूड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं या हमें कोई अभी एक्यूट समस्या हो रही है, तो हमें सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट, अब अलग अलग वैरायटी के टूथब्रश आ रहे हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि हम सॉफ्ट करें टूथब्रश को यूज़। और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है कि हमारा टूथब्रश करने का, हमारे दांत साफ़ करने का स्टाइल कैसा है, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती हैं। टूथपेस्ट कोई भी हो सकता है, टूथब्रश सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट इनको प्रेफर करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि दांत साफ़ करने की टेक्निक, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब दांत साफ़ करने के लिए हम लोग यूजुअली हम लोग अपने ब्रश को ऐसे पकड़ के और हॉरिजॉन्टल मोशन में हम सारे दांतों को साफ़ करते हैं। ये एक बहुत ख़राब प्रैक्टिस है जिसको हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके जो हमारे दांत जहां मसूड़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं जिस जगह से, तो वहां से घिसन शुरू हो जाती है। इसलिए कहीं भी आप, अब ये तो छोटा वीडियो इसके माध्यम में आपको पूरा नहीं बता सकता, लेकिन किसी भी आप अपने जो भी फैमिली डेंटल सर्जन के पास जाएँ तो ये टूथ ब्रशिंग टेक्निक आप भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, जो बहुत आवश्यक है। चाहूँगी कि जैसे कि आजकल लोगों के दांतों में झंझनाहट की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो ये क्या है? जैसे अभी पिछले सवाल से ये जुड़ा हुआ है कि जो दांतों में झंझनाहट की समस्या है, हमारा जो एनामल सबसे ऊपर होता है, अगर वो इंटैक्ट है तो दांतों में झंझनाहट की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर हम अपने टूथब्रश को यूज़ करने का तरीका, हम अगर जो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल वाला उसको रखते हैं, तो कई बार इनेमल घिस जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तो वहाँ से हमारे दांतों में झंझनाहट की समस्या होती है। ये एक उसका प्रमुख कारण। सर, इस समस्या से हम किस तरह से निजात पा सकते हैं अगर हम ब्रश सही से करें? एक तो यही है, इसके अलावा क्या मतलब हमारे पास उपचार हो सकते हैं? अब बड़ा बताते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी जो डेंटिस्ट्री है काफ़ी एडवांस्ड है। अब सिर्फ हम डेंटल सर्जन्स का काम सिर्फ दांत निकालना या नकली दांत लगाना नहीं है। अब आपका जैसे डेंटल सेंसिटिविटी के बारे में भी आपका सवाल है, तो अगर इनिशियल स्टेज पे, पहले तो जैसे हमने बताया कि इसको होने नहीं देना है, ठीक है,
तो होने नहीं देने के लिए हमारे पास जो हमारा टूथ ब्रशिंग हैबिट है उसको बराबर होना चाहिए। और अगर हो जाता है तो डेफिनेटली फिर से वही बात है कि इस पर कोई देसी इलाज आप लोग ना अपनाएं और डेंटल सर्जन के पास जाएं। सीलेंट मटेरियल्स आते हैं जिससे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसके साथ डील कर सकते हैं। और जिस स्टेज पे वो सेंसिटिविटी होती है, वो सेंसिटिविटी कहीं पेन के तरफ अगर बढ़ रही होती है, तो फिर हम उसको उस तरीके से उस पर्टिकुलर टूथ को डील करते हैं। मैं चाहूँगी कि जो टोबैको की आजकल समस्या बहुत ज़्यादा है जिससे कैंसर होता है, तो ये हमारे दांतों पर किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है? आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। अभी हम देखेंगे अपने समाज में सब लोग इसको देख सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर और बड़े तक सब लोग इस समय तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन कर रहे हैं और ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और इसका केवल दांतों के ऊपर नहीं और पूरे शरीर के ऊपर, शरीर का कोई एक अंग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर तंबाकू के बुरे प्रभाव ना देखने को मिलते हैं। अब तंबाकू इस्तेमाल करने के भी बहुत तरीके होते हैं, खैनी है, सुरती है, पान मसाला, गुटखा, पान, कई लोग दांत साफ़ करने के लिए वो गुल आता है उसको यूज़ करते हैं। तो ये किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तंबाकू जो है वो दांतों के लिए नुकसानदायक है। केवल दांतों के लिए नहीं, हर तरीके से ये जो है नुकसानदायक है। और शुरुआत होती है दांतों और मुंह के अंदर, मैं बोलूँगा दांतों में स्टेन्स पड़ने शुरू होते हैं और दांत घिसने शुरू होते हैं। सुपारी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मुंह खुलना कम होता है, तंबाकू जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे सफ़ेद दाग जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, ये कैंसर की एक पहले की कंडीशन मान सकते हैं, इसके अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो मैं बिकॉज़ मैं डेंटल सर्जन हूँ तो मैं ओरल कैविटी की बात बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मुंह का या शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर तंबाकू के बुरे प्रभाव ना हो। डेंटल के फील्ड में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका आज हम यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक दांतों को बचा सकते हैं? पहले तक होता था कि दांत निकल गया है तो प्लेट वाला सब लोग जानते हैं डेंचर लग जाता था, काफ़ी कंबरसम होता था, बार बार निकालना लगाना, कई बार बात करते हुए निकल जाता था तो सोशल एम्बेरेसमेंट भी एक ये कॉज करता था। लेकिन अब हमारी डेंटिस्ट्री काफ़ी एडवांस हो गई है और आजकल सब लोग ही लगभग जानते हैं इसके बारे में कि डेंटल इम्प्लांट लग जाते हैं जहाँ पर दांत नहीं होता है। तो यूजुअली पहले होता था कि अगर अगल बगल का दांत है तो उसका सहारा लेके हम ब्रिज बनाते थे, लेकिन अब अगर कंडीशंस हड्डी की कंडीशन अच्छी है, जनरल हेल्थ भी अच्छी है, तो हम लोग इम्प्लांट प्रेफर करते हैं। उसमें बाकी आजू बाजू के दांत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है और एक नकली जड़ लगा देते हैं जिसकी वजह से हम दांतों को बचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एडवांसमेंट्स हैं, जैसे आजकल हम लोग लेज़र से काफ़ी सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुंह के अंदर कोई लीजन होता है उसको हम लोग काफ़ी ऑलमोस्ट पेनलेसली हम उसको डील कर सकते हैं। कई लोगों के मसूड़ों में पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है उसको हम लोग डी पिगमेंट कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसको हम लोग एस्थेटिक डेंटिस्ट्री बोलते हैं, तो स्माइल डिज़ाइनिंग से लेके और काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स हैं जो आजकल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कि जो जनरल समस्या आपने हमें बताई कि पायरिया है और दांतों में कीड़े लग जाते हैं, बच्चों के बड़ों के भी लग जाते हैं, तो इनसे इन समस्याओं से, इन बीमारियों से बचाव कैसे कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहले बचाव कर लेंगे, ट्रीटमेंट की नौबत ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें अपनी फूडिंग हैबिट्स के ऊपर ध्यान देना है। बच्चे स्पेशली जो घर से बाहर अभी निकलना शुरू हुए हैं, टीनेज हैं, खाना खाया, कुछ भी खाया और उसके बाद कुल्ला नहीं किया, पहली चीज़ खाना वहीं पर रहता है, दांत में कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल हम लोगों को देखा है, समाज में सब लोग देख रहे हैं कि जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा बच्चों को आदत है। ऐसे कोई भी खाने जो दांत में चिपक जाते हैं, ठीक है, उनको क्लीन करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे खाना चिपका रहेगा, मुंह के अंदर बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है एसिड प्रोड्यूस करने का। बेसिकली एसिड की वजह से दांत में गड्ढा हो रहा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम खाना खाएँ तो उसके बाद हम दांतों को ठीक से साफ़ करें। दांत अगर हमारे टेढ़े मेढ़े जहाँ पर फूड लॉजमेंट के चांसेज हैं तो उसको हमें ध्यान रखना है कि दांत हम अपने ठीक करवाएँ। और स्टिकी फूड हम ना खाएँ। आजकल बच्चे काफ़ी चॉकलेट, टॉफ़ी, पेरेंट्स भी लाड़ प्यार में भी काफ़ी उनको पैम्पर करने के लिए भी देते रहते हैं, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तरीके के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। रात को जब भी बच्चा सोने वाला हो उससे पहले बच्चे के दांत साफ़ करने बहुत ज़रूरी है। आप स्वयं भी करेंगे, बड़े लोग घर के, तो बच्चों में भी वो जो हैबिट है वो इनकलकेट होने में काफ़ी आराम रहता है और जल्दी से बच्चे उसको पकड़ते हैं। सर, जैसे कि बीमारियों से बचाव तो हमने जान लिया, अगर बीमारी हो जाए तब हम उसके बाद क्या करें? ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि घरेलू उपचार कर लेते हैं, तो वो ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक अपने देश में बहुत कॉमन समस्या है
या तो हम घरेलू उपचार करते हैं या स्वयं उपचार करते हैं। आपके सवाल का सबसे सटीक जवाब तो ये है कि अगर दांत पे बीमारी हो जाती है तो हमारे पास आइए, हम उसके लिए क्वालिफाइड हैं और हम आपको उसके लिए अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देंगे। हाँ, आप जैसे घर में कई बार दांत में कीड़ा लग गया, दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग का तेल लिया और वो लगा दिया, वो नहीं करना है। इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करनी है क्योंकि उससे आसपास की जो म्यूकोसा है वो भी जल जाती है। तो अगर किसी भी तरीके की समस्या हो रही है तो आप जिस भी डेंटिस्ट के पास, जिस भी डेंटल सर्जन के पास विज़िट करते हैं, केवल उसी की सलाह से कोई भी खाने वाली या लगाने वाली दवाई आप इस्तेमाल करें, तो इससे आपका कोई नुकसान होने से बच जाएगा। सर, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी करना चाहूँगी कि जैसे हमने मॉर्निंग में ब्रश किया, नाइट में ब्रश किया, बट अर्ली मॉर्निंग जब होती है तो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रश किए बिना चाय या फिर कुछ भी लिक्विड ले लेते हैं, तो क्या ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। सुबह सुबह जो हम लोग चाय पीते हैं, बैड टी, एक्चुअली वो BED बैड टी नहीं है, वो BAD बैड टी है, वो बहुत ख़राब है, वो एसिडिटी का कारण बनती है, वो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। हाँ, सुबह उठ के जो लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि जो हमारे मुँह के अंदर का एटमोसफियर होता है वो काफ़ी एल्कलाइन होता है। हमारी पूरे रात में जो सलाइवा होता है, जो लार बनती है, वो अगर हमारे पेट में जाएगी तो हमारे पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आती है। तो सुबह खाली पेट, सुबह उठ के बिना ब्रश किए पानी पीना चाहिए, और पानी ज़रूर पीना चाहिए। आप जितना 3-4 ग्लास जो भी पानी पी सकें, आपका पेट सही रहेगा, मोशन ठीक से होगा। हाँ, चाय नहीं पीनी है, लेकिन आपको जो पानी पीते हैं वो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको बिना ब्रश किए पानी पीना है। इनिशियली हो सकता है आपको ये थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आपको जब भी पानी पीना है सुबह उठ के पानी ही पीना है, और वो बिना ब्रश किए पीना है, जिससे कि मुँह के अंदर का जो सलाइवा जो जमा हुआ है वो पेट के अंदर जाके पेट के अंदर की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। एक मेरा सवाल और आपसे आखिरी ये है कि जैसे हम ब्रश करते हैं मॉर्निंग में तो हर कोई ब्रश करता है, नाइट में खाना खाने के बाद हम तुरंत ब्रश करें या थोड़ा समय लेकर ब्रश करें? देखिए, ब्रश का एस सच जो आपने समय पूछा है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि सोने से पहले, जब भी आप सोने जा रहे हों उससे पहले आप ब्रश करके बिस्तर पे जाएं, क्योंकि जितना टाइम बैक्टीरिया को कम मिलेगा अपना काम करने के लिए, या खाना जो भी है जो लास्ट में हमारे मुंह के अंदर है उसको हम निकाल देंगे, तो रात भर बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और वहाँ पे वो एसिड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो दांत में कीड़ा लगने का चांसेस कम हो जाएगा। और इससे साथ में एक चीज़ मैं और कंटिन्यू करूँगा कि जो बच्चे या तो अपनी माताओं का दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं, या जो बॉटल से दूध पीते हैं, उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना होता है, क्योंकि 6-7 महीने का एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं। वो बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा वहाँ पे ऐसा सब्सटेंस अवेलेबल होता है जिसको बैक्टीरिया फर्मेंट कर सकता है, और बच्चों के दांतों में कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चा जब सोने वाला हो तो अपने उंगली पे कोई भी अच्छा साफ कॉटन का एक कपड़ा लेके उसको नॉर्मल से लाइन में, या जिस भी तरीके से आप उसको गीला करके, और पूरी ओरल कैविटी को एक बार साफ करें सोने से पहले बच्चे का। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बात करूँ जो ब्रश अभी नहीं कर सकते हैं, उनके भी दांत साफ होने बहुत ज़रूरी है। आप हमारे जो लोग देखेंगे वीडियो उनको कोई आप मैसेज देना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जनरल लाइफ में? दो मैसेज हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने हैं। एक तो हमें अपने दांतों के महत्व को समझना है, हमारे दांत हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कई सारी बीमारियां हैं जो बहुत एसोसिएटेड होती हैं, तो अपने दांतों का आप स्वयं ख्याल रखें। जितनी बातें हमने सुनी हैं, खाने की आदतें ठीक रखें, दांतों को फ़ायदा रहेगा, दांत साफ़ करें, दांतों के लिए अच्छा रहेगा। और दांतों के अलावा आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तंबाकू का सेवन किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, ये अंत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान का कारण बनता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, इसी में कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, जिन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो हमें जनरल लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। दांतों के रखरखाव हमें किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में बहुत सारे उपाय उन्होंने हमें बताए, और ख़ास तौर से हमें अपने घरेलू उपायों को तो नहीं अपनाना चाहिए। कोई भी समस्या हो दांतों से रिलेटेड, आप सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाएं, उन्हें विज़िट करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ टिप्स।